थैंक्स टू देम एज वेल. जब हम बात करते हैं उमैर बशीर साहब से, जी जनाब, जी जनाब, मुझे बताइए आप अपने स्किन पे क्या लगाते हैं, मेंटेन कैसे करते हैं, क्या कभी आपने लिपस्टिक इस्तेमाल भी किया ऑन स्क्रीन? क्यों नहीं, मर्द हज़रात भी करते हैं. लिपस्टिक नहीं कभी यूज की, वो तो कभी भी हो सकता है. फैंस को शेड बता दें आप. अरे नहीं की यूज की. अच्छा लिपस्टिक तो नहीं, कभी भी नहीं. और मेकअप बहुत लाइट सा कोशिश होती है कि बिल्कुल माइनर सा जैसे इसके लिए हो जाए, और उसके बाद सिंपल सा बस जाके मुंह धो लेना. कोई कुछ नहीं किया कभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, ना कभी जरूरत पड़ी है. और अब रीजन उसी क्या है, ये ना सबसे बड़ी नेमत है जिसका ना हमने कभी मेरा ना ENT का इशू था, गले का इशू था मेरा, और गला मेरा ठीक नहीं हो रहा था. मैंने कितने डॉक्टर्स को दिखा लिया, कहा मेरा बोलना है. तो एक दोस्त के फादर ENT बड़े टॉप लेवल के थे, तो मैं कैसे जैसे उनके पास पहुंचा, पता चला कि जी ये कनेक्शन है. तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आपने 13 से 14 ग्लास पानी पीना दे दी, कोई मेडिसिन नहीं खानी, और आपका जो गला है या ब्लड प्रेशर है, मेरे ब्लड प्रेशर का भी इशू है. तो उसे डिस्कस किया था सर, बताया था उनको, कहते 13 से 14 ग्लास पानी और आपके हर मसले का हल है. यही आपकी स्किन का भी हल है. हम आप देखिएगा, बात नोट कीजिएगा, अपने आप अपने ऊपर भी रख के देखिएगा, डिहाइड्रेशन हमारी बहुत सारी बीमारियों को दावत देती है. ऐसे ही है, हमारी स्किन इश्यूज हमारी डिहाइड्रेशन से होते हैं. आपकी मसल वीकनेस आपकी डिहाइड्रेशन से होती है, मसल टूटना, ये सारा कुछ अगर आप अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, पानी ज्यादा सर. आप पार्ट टाइम पे ये जॉब भी कर मैं ये कह रही हूं कि आप इस शो का नाम ऑलराउंडर रख ले तो ज्यादा अच्छा था, टिप एंकर्स के साथ. मैं और मैं तोड़ के बहुत ज्यादा करता हूं, बालों पे मां जी बना के देती हैं एलोवेरा, चावल का पानी, प्याज का पानी. बालों के तो लड़कियां नहीं करती हैं, नहीं बालों देखो ब्लोडर रोज होता है. माँ जी का माँ जी जो मेरे कलीग्स हैं वो जानते हैं कि माँ जी कैसे खाने बना के रोज हम लोग खुद भी खाते हैं. हमें तो मुझे तो हमें तो हम ऐसे पूछ रहे होते हैं मैं क्या लेके आयो आज, हमारी तरफ कब आ रहे हैं. मैं मेरी सहेली में आ जाऊँ ना तो सहेली अब तुम्हें भी मिल जाएगा खाना. मुझे ये बताएं जो हम बात कर रहे हैं अगेन उमैर साहब आपसे बात कर, बिस्मिल्लाह जी जी जी. जब बुलेटिन की बात होती है तो बुलेटिन एक ऐसा प्राइम टाइम होता है जब दो एंकर्स ने यू नो एज अ डू एज अ कपल स्क्रीन को लेकर जाना डू कपल देखिए एक जब मेल और फीमेल उसकी बात हो रही है. अच्छा मुझे ये बताएं उस वक्त जब आप लोग बुलेटिन पढ़ रहे हैं और आप लोग न्यूज को पढ़ रहे हैं तो कभी ऐसे हो कि किसी ने शरारत की हो, जब एक स्विच हुआ है दूसरा शरारत करे तो तब क्या होता है, तब क्या माजरा नहीं है? हम ये काम इसमें होता है. शाहजेब अभी जिसका जिक्र कर रहे हैं इधर अभी हमारे बीच में, आज वो मौजूद नहीं है, अच्छा खासा कल यहाँ पे मौजूद था. खतरनाक है, हंसता खेलता कल घर गया है, रात नहीं 5 बजे फिर आ जाएगा, आज 5 बजे आ जाएगा. अच्छा अब वो शाहजेब जब वो बैठा हुआ सीट पे तो मैं अक्सर ये करता हूँ कैमरे के पीछे जाके ना उसको जरा करूंगा तो उसकी फिर अब वो बदले में मेरे से लेता है. जब मैं अभी बुलेटिन गा रहा हूँ वो फ्री है तो वो आ जाएगा. आप तो गाने भी गाते सुने, सुरीली सी आवाज है आपकी. फातिमा बहुत अच्छा. देखिए मेरी सहेली में जो एक बार आ जाता है हमारी मर्जी से ये देखो गला भी खराब हो रहा है, फौरन हुआ पहले नहीं था, मैं कभी इतना हंसी नहीं अभी ना उनकी बदौलत में इतना हंसी. नहीं फातिमा बहुत अच्छा गाती है, इसमें कुछ उमैर आपकी बारी आएगी. नहीं उमैर आपको कैसे पता है, आप बुलेटिन में गाती हैं ब्रेक में है? मैंने मेकअप रूम में भी सुनी आवाज. नहीं 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 कुछ देखिए किसी और की सुनी होगी. मुझे आशा की आवाज से भी लगता है कि वो बहुत अच्छा. नहीं नहीं ये मुझे आइडिया था कि कोई ना कोई मेरी तरफ आएगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी कि जो गाना गाते हैं ना बेसिकली वो बहुत अच्छा बुलेटिन पढ़ सकते हैं, तो ये एक प्रैक्टिस होती है अपनी आवाज को मैं चले की अगर जो भी गाना जरा सा अपना कोई फेवरेट गाना गुनगुना दो. हां जरा सा पहले फातिमा शुरू किया, फातिमा से आए, फातिमा गाए तो फातिमा से गाना जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा. ये बड़ा प्यारा गाना है फातिमा. मुझे एक्चुअली कोई माइंड में नहीं आ रहा मैं क्या करूं. अच्छा कोई माइंड चलो एक एक लाइन वैसे ही जी जी बिल्कुल गला बैठा हुआ इसमें क्या गाना. कोई बात नहीं उठ जाएगा आपका. अभी कौन सा सुनाओ, हम सब साथ देंगे आप शुरू करें. ये वैसे मैं बड़े हाई नोट्स पे गा लेती हूँ लेकिन अभी ना मौका है ना दस्तूर है, यही तो हम मौका बना रहे हैं. पीसीआर से रिक्वेस्ट करेंगे वो जरा इको डाल दें साउंड ऑन है. चलो एक छोटी सी लाइन लग जाग ले के फिर ये हसी रात हो न हो शायद
फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले। उमैर तुम्हारी बारी, तुम्हारे मैंने इसलिए कहा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं अपने अपना आपको थाम के रखना, डरना नहीं है, ये नहीं बिल्कुल अपना डिस्क्लेमर पीस के आगे सीट बेल्ट बांध ले, सीट बेल्ट बांध ले सब अपनी। बड़ा ट्रेंडिंग सॉन्ग है, ठीक है, ओके। और ट्रेंडिंग आप लोगों ने मुझे प्लीज मेरे जो सुर ताल में ऊपर नीचे होगा क्योंकि बड़ी हस्ती है, बड़े सिंगर है, नहीं यहां पे कोई कलाकार नहीं बैठे हैं आप, लेकिन आयशा आपकी बारी भी आएगी, कलाकार बहुत बड़े हैं ना, ये मैं आपको बता दूं, सोच रहा हूं कौन खत्म हो जाएगा, महक से सुने 2 बज गए हैं, हां महक बहुत बड़े हैं, तो मैं गाना गाने लगा हूं, चलें गा तो ले, हाय हाय चाहत फतेह अली खान के बाद मुझे लगता है अब आपने वायरल ये किसकी ये जबान से आम है, ये माने इस बात को 23 मिलियन व्यूज और गाके सुनाते हैं और आगे क्या क्या बोल था इसमें, हाँ आगे क्या कहते हैं वो पूरा सुनाओ ना, अख लगी अख लड़ी कुछ ऐसा, लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी, एक और गाना भी है पाओ 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 पंगड़ा पाओ पाओ जिथे मिले पाओ 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 सारे पाओ पंगड़ा 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 पाओ, या अल्लाह मुझे माफ कर दी। उमैर फतेह अली खान भंगड़ा डालना रह गया, उमैर फतेह अली खान मेरा लूट लिया आज, अच्छा हमें लगे थे तो कहते ना यकीन दोष, उसने माशाल्लाह इतना जबरदस्त गाया उमैर ने उससे आगे का सुर लगाया, अब आप रह गए मैं तो बाथरूम सिंगर भी नहीं हूं, अपने आप को डिग्रेड ना करें आप प्लीज, चलो शीरिन कुछ नहीं गाता, मुझे कुछ नहीं आता गाने लिटरली। महक भी हमारे साथ ऑडियो लिंक पे मौजूद है, महक आप हमें सुन सकती हैं, महक हेडलाइंस में ना चली गई, महक आई थिंक महक आ गई, हेलो मैं खाना जी महक फ्लेवर से खाना सुना दे जल्दी से, मैं खाना खुल गया, जो गाना सुना था ना उसके बाद से मुझे होश ही नहीं आ रहा है कि माशाल्लाह जी महक आप कौन सा गाना सुनाएंगी, मैं कोई गाना मैं सिर्फ खबरें सुना सकती हूँ, मेरे मियाँ भी ये कहते हैं कि तुम्हारा घर में भी बुलेटिन चल रहा है, तुम दफ्तर में भी खबरें पढ़ती हो, तो गाना तो बिल्कुल भी नहीं सुना सकती। महक वो स्टोरी सुनाना चाहोगी जो मैंने तुम्हें टिप दी थी आवाज बेहतर करने के लिए, कौन सी जो मैंने तुम्हें टिप दी थी आवाज बेहतर करने के लिए, ये तुम ज्यादा बेहतर सुना सकते हो, वैसे मैं जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं इस टाइम पे और आपको देख रहे हैं, उमैर मेरे बहुत सीनियर हैं, मैं जब सिटी में ट्रेनिंग के लिए गई थी तो उस टाइम पे उमैर हॉट सीट पे होते थे और वो ट्रेनिंग एंकर्स को तो वो क्या ही देखते थे, तो कहते ना कि बड़ा सख्त लौंडा उमैर जो है उस टाइम पे, उमैर से हमने कहना उमैर सर थोड़ा सा हमें सिखाएं आप कैसे खबरें पढ़ते हैं, तो उमैर ने फुल एटीट्यूड में हमें सिखाना, लेकिन जो उमैर ने उस टाइम पे एक टिप मुझे दी थी वो मैं कहती हूँ कभी अल्लाह ताला कभी किसी के ऊपर ऐसा वक्त ना लाएगा, जूनियर को ऐसी टिप दे और वो शुक्र है कि बर वक्त मुझे बता दिया गया था कि ये मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया, तो मैं जरा वो किस्सा बताएं जानना चाहेंगे बिफोर वी रैप अप द सेशन, मैं चाहूंगी कि आप सुना दें हुआ ये मेरे पास ना एक टाइम तक कोई भी एंकर को आता था कोई भी मतलब महक वैसे तो इसका बड़ापन नहीं कह रही कि सीनियर है, कुछ ही दिन का फर्क था समझ ले तो बिल्कुल साथ ही हम लोगों ने काम शुरू किया, अच्छा कोई भी पूछता नहीं है क्या कर रहे हैं न्यूज एंकर बनने के लिए आवाज बेहतर करने के लिए, मैं कहता था आपने ना मुर्गी का पोटा चूसना है महक सीरियस हो इसने पता नहीं घर फोन करके कह दिया कि जी अम्मी पोटा उबाल के मजाक कर रहा था ऐसा कुछ ही नहीं न्यूज एंकर बनने के लिए ये नहीं चाहिए अल्लाह हाफिज़ जी और जी 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 चलो मेरे ख्याल से आई नीड टू हैव अ रेस्ट आफ्टर द सेशन, जो हमारा मेरी सहेली का आज सेशन चल रहा है सब एंकर्स के साथ, यकीन जाने बहुत मजे का है और मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन व्यूअर्स हमारी तमाम सहेलियां जो है वो उस पार जो हमें देख रही हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए, ऑडियंस होगी सहेलियां तो फिर आज हमने ज्वाइन किया नाज़ ने किया आयशा नाज़ ने किया महक असलम ने किया उमैर बशीर ने किया और तो और कनीज फातिमा ने किया शिरीन मिठानी ने किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू मेरी सहेली का हिस्सा बनने के लिए अपने मजे मजे के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने के लिए, जी नाज़रीन
जैसा हमने कहा था शुरू में कि हम आपके साथ अपने तमाम एंकर्स की वो लाइफस्टाइल शेयर करेंगे जो कैमरे के पीछे आप लोग नहीं जानते. जी बिल्कुल वैसे ही हुआ. बहुत मज़े के किस्से, कहानियाँ, स्टोरीज और फनी फनी चीज़ें, इनकी डेली हैबिट्स, रूटीन सब हमने शेयर की. उम्मीद आपको पसंद आई होगी. और भी कुछ अगर जानना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, फीडबैक दीजिए और स्क्रीन पर दिए गए नंबर को भी इस्तेमाल कीजिए. आज के सेशन में हम सहेरे को दीजिए इजाज़त. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. थैंक यू जी, फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.